पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच आज इस्लामाबाद में खेला जाएगा और सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान में पहली दफा फुटबॉल का मैच खेलने आ रही है। तो हम कुछ नौजवान फुटबॉलर से बात करते हैं कि उनकी क्या एक्साइटमेंट है और वो सऊदी अरब की टीम को कैसा देखते हैं। मैं कहता हूं कि वो एक बहुत अच्छी टीम है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि बाहर की टीम पाकिस्तान में आ रहे हैं मैच करने के लिए, और ये जो टैलेंट है यंग, इसके लिए भी बहुत मोटिवेशनल है। सऊदी अरब की टीम तो काफ़ी अच्छी है जी, हमने देखे उनके काफ़ी मैचेस, वो तो एशिया कप क्या वो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, तो उनकी तो टीम अच्छी है, वो मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा साइन है ये और बहुत अच्छी चीज़ है कि सऊदी आ रही है यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ प्रो लीग भी हो रही है सऊदी की, वो भी बहुत मशहूर हो गई है तकरीबन। तो इसी तनाजुर में यह है कि सऊदी की टीम जो आ रही है उससे हमारे पाकिस्तानियों को भी काफ़ी सहूलत मिलेगी उससे, क्योंकि उनको दिलचस्पी भी ज़्यादा होगी और उम्मीद है कि क्राउड फुल होगा इस मैच के लिए। ऑफकोर्स उन्होंने वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया हुआ, तो ऑफकोर्स वो हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और वो बहुत अच्छी टीम है जिसमें बहुत मेन प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे उन्हें बहुत प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, ऐसे कुछ उनके प्लेयर्स हैं जैसे रोनाल्डो और ऐसे बड़े नामों के साथ खेला हुआ है, तो हमें उनसे फिर खेल के बहुत सीख भी सकते हैं। सऊदीया तो बहुत अच्छी है हमारे उसके लिहाज से ना, अब जिस तरह सऊदीया उनकी काफ़ी पहले से टीम बनी है, एक्साइटमेंट तो है लेकिन साथ ये भी पता है कि शायद हार जाए, क्योंकि जिस तरह है कि हमारी टीम अभी बनी है कुछ इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से दोनों टीमों के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी है और सऊदीया के लिए भी है, और देखते हैं कि जो अच्छा हार्ड वर्क करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस अगर जाहिर सी बात है जीत उसी की होगी।